28 अप्रैल की मैच, कौन कौन लाइव है? तो आज क्या क्लास थी हमारी? हेलो गाइस, मैं मोनू जायसवाल, एशिया टेलीकॉम में मेरा सेकंड डे क्लासेस था। आज सेकंड डे में मैंने पावर आईसी 4G आईसी को मैंने रिवोल किया, अपने हाथ से किया, और 4G पावर आईसी और 4G आईसी को दोनों रिवोल करके मैंने पीसीबी में लगाया। पीसीबी में लगाने के बाद दोनों रिजल्ट मेरा सेम मिला। और 10 बजे का क्लासेस मेरा देव सर के साथ था। देव सर के साथ मेरा कंपोनेंट का पूरा फुल नॉलेज है, सेकंड डे से लेके थर्ड, फर्स्ट डे से लेके सेकंड डे तक जितना सर ने कंपोनेंट मेरे को बताया, इजी तरीके से, इजी वे बताया, हर कंपोनेंट को अच्छे तरीके से मैं पहचान सकता हूँ और उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ। सबका जो भी GR वैल्यू है, ग्राउंड की जो भी अपना पैलर है, सीरीज है, हर चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज है। और जितना मैं पढ़ रहा हूँ रिविजन के साथ, यहाँ पे आके प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फर्स्ट डे मैंने CPU को रिबोल किया था, और इसके बाद EMC को रिबोल करके मैंने लगाया था, और सेकंड डे में मैंने पावर आईसी को सब लगा के डन कर दिया। थैंक यू डेव सर, थैंक यू ऐसे कर। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामसर गुप्ता है, मुंबई से। आज मेरा सेकंड डे एशिया टेलीकॉम में था, फर्स्ट डे मेरा EMC का था, आज सेकंड डे CPU प्लस पावर आईसी का कॉन्सेप्ट था, दोनों क्लियर। और देव सर के साथ मेरा कंपोनेंट का था, और कंपोनेंट के मेरे देव सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, मेरा उसमें कोई भी डाउट नहीं रहा, और कोई भी चीज़ का कंपोनेंट की पहचान 2 मिनट में मैं करके क्लियर कर सकता हूँ। थैंक देव सर, थैंक एशिया टेलीकॉम। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है, मैं उड़ीसा से हूँ। ओके, आज मेरा सेकेंड डे था। ओके, मेरा बेसिकली 10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कंपोनेंट का कोई नॉलेज नहीं था। ओके, एशिया टेलीकॉम से आने से पहला दिन में मैं EMC, आज सेकंड डे में डुअल टेकर और 4G IC पावर IC रिबल किया हूँ, और मैं कंपोनेंट का नॉलेज दिन में जितना पाया 10 साल में कोई नहीं पाया। थैंक्स टू देव सर, थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रवीण है, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। जी, आज हमारे सेकंड डे की क्लास थी, सुबह हमने आज 4G IC और डबल डेकर IC और पावर IC को रिवॉल्व किया। उसके बाद हमारे देवसर के साथ क्लास थी कंपोनेंट्स की, उसमें देवसर ने हमें जो कंपोनेंट्स की बातें बताई, उसे हमें बहुत बढ़िया ज्ञान मिला, और उसे हमें पता चला कि कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, उसे पहचाने की जानकारी मिली। उसके बाद हमारी MD सर के साथ बाद में पावर IC निकाल कर रिवॉल्व करने की क्लास हुई, और वो हमने अच्छे से कर दी। थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। ओके, चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम सुरजीत सिंह है, और मैं UP रामपुर से हूँ। जी, और आज मेरा IC रिवॉल्व और EMC और CPU 4G CPU, ओके, और डबल टैगर CPU, ओके, और कंपोनेंट की जानकारी। जी, और आदि IC निकाल के माउंटिंग आपने फोन से, आपने पावर IC निकाल के माउंट रिमाउंट भी किया लास्ट। यस, रिजल्ट मिला आपको? ओके सर। रीडिंग्स मिली आपको? बढ़िया। और कल क्या करने वाले हो? कल 4G फोन से लाइव पावर निकाल के डालने वाले। yes. चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर, मैं कृष्णा प्रजापति, MPC सर। ओके, आज हमारी सुबह 7 बजे सर रिवॉल्विंग क्लास थी, जिसमें आपने रिवॉल्व किया। ओके, उसके बाद सर देव सर की क्लास थी, जिसमें हमें कंपोनेंट की एंडलेस जानकारी दी। ओके, कुछ भी नहीं छोड़ा सर कंपोनेंट में, सारी डिटेल्स, उनकी वैल्यू, सब कुछ एकदम कंफर्म करा दिया। उसके बाद सर फ्रिज रिवॉल्व किया, और हमने CPU जो पावर IC, ओके, उसको हमने माउंट भी किया, रिमाउंट भी किया, दोबारा निकाल के फिर लगाया, और सेम वैल्यू पाई। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू देव, इसी टेलकॉम। ओके, चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सर, मैं राजस्थान से नीरज। हां सर, हमने सुबह 7 बजे आके डब्ल्यू लेकर IC रिबोल किया। जी, उसके पश्चात हमने पावर 4G CPU पावर रिबोलिंग किया। जी, उसके पश्चात हम देव से क्लास ली, सभी कंपोनेंट की पूरी नॉलेज मिली, और इसके अलावा मतलब कहते हैं कोई सी भी कंपोनेंट की जानकारी हम 2 मिनट में हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट अप। जी, मेरा नाम दिकुर रहमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं UP आदमगढ़ से हूँ। तो हजरत, ये बताइए, आपकी एशिया टेलीकॉम में जो नॉलेज आपको 2 दिन में मिला है, कितने टाइम से काम कर रहे थे आप? 7 साल तक। 7 साल से काम करते हो, तो मैं 7 साल का नॉलेज और 2 दिन का नॉलेज में की बात करूँ, तो 2 दिन का नॉलेज रहता है, जैसे 15 साल का नॉलेज रहता है। 15 साल का नॉलेज मिला, वाकई में मिला कि जबरन बोल रहे हो? देव सर रहता है, कंपोनेंट के बारे में बताएं कि कोई भी दुनिया का मोबाइल आ रहा है, 5 मिनट में बता दे कि कौन कैपेसिटर है, रजिस्टर है, और पैडल में लगा है या फिर तो जो आपको नॉलेज मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, ये यूट्यूब वाला मिल रहा है? नहीं, यूट्यूब वाला नहीं, यूट्यूब तो बताते हैं, ग्राउंड है, निकाल कर। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूँ हैंड स्किल की, हैंड स्किल पे भी पूरा नॉलेज मिल रहा है हमको, और डे बाय डे कंपोनेंट का भी नॉलेज मिल रहा है आपको।
चलिए ठीक है, तो अभी तक की जो दो क्लास हुई है हमारी वो दोनों क्लास से आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई है कि नहीं है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम सुहेल मापरी है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। आप अपने महाराष्ट्र के लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। माझा नाव सुहेल मापरी है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए। ओके, आप अपनी भाषा में बोलिए। आप जैसा आपको बोलना है सब। सुबह आईसी की क्लास थी, सुबह आईसी बॉलिंग करके आईसी बढ़ा दिया। सुबह 10:30 के बाद जो सर की क्लास थी उसमें कंपोनेंट की वन जानकारी ले ली, और उसके बाद एमडी सर की क्लास थी उसमें चालूपन से आईसी पावर आईसी निकाल कर पावर आईसी डाल दी। चलिए ठीक है, तो बाकी जितने बच्चे सब इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए, बाकी इधर पीछे जाते जाइए। चलिए, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है महाराष्ट्र से। जी, मेरा नाम सुद्धोधन विष्णु पठाड़े है सर। हाँ जी, मैं नासिक महाराष्ट्र से। ओके, आज मेरी एशिया टेलीकॉम में सेकंड क्लास थी। ओके, कल हमने ईएमएमसी रिवॉल्विंग सीखी। ओके, और कंपोनेंट का चैप्टर वन सीखा पूरा। ओके, पार्ट वन सीखा कंपोनेंट का देव सर के साथ। ओके, और आज हमने डबल डेकर आईसी रिवॉल्व किया, 4G आईसी रिवॉल्व किया, और पावर आईसी रिवॉल्व किया। और हमने फिर उसके बाद हमारी देव सर के साथ क्लास हुई कंपोनेंट की। क्लास 2 हुई कंपोनेंट की, उसमें हमें देव सर ने भरपूर नॉलेज दिया। और हमने वो सब यहाँ पे प्रैक्टिकली किया। और प्रैक्टिकली करने के बाद हमने चालू मोबाइल से पावर आईसी निकाल कर फिर से माउंट किया, और वो भी हमने सक्सेस कर दिया, एकदम ट्रिक से काम किया। और मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अप स्टूडेंट। सर, मेरा नाम राहुल साहब, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हमारे क्लास का दूसरा दिन था। ओके, आज हमने सुबह सुबह आके 7 बजे हमारी क्लास थी, सुबह आके हमने पावर आईसी रिवॉल्व किए, 4G आईसी रिवॉल्व किए, तो उसके बाद डबल डेकर। ओके, रिवॉल्व, उसके बाद हमारा 10 बजे क्लास देव सर के साथ था जी। उन्होंने हमको कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया। ओके, जो 2 दिन तक चला, आज हमको कंपोनेंट का पूरा जानकारी है। अच्छा, उसके बाद हमने कंपोनेंट का प्रैक्टिकल यहाँ आके किया। ओके, जिसने हमारे फिर उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे सारे कॉन्सेप्ट। अभी कोई डाउट है क्या 2 दिन की कंपोनेंट की क्लास में? सर, चलिए ठीक है। और अभी लास्ट में आपने अभी जाते जाते क्या किया है? एक पावर आईसी को निकाल के रिमाउंट किया आपने, इसके रिजल्ट मिले आपको उसके? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, नेक्स्ट अप स्टूडेंट प्लीज आइए। हेलो सर, मेरा नाम चंचल सिंह है, मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से हूँ। ओके, तो आज तो चंचल, आपने इसमें आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं आप, और उसके अंदर आपने कोई कोर्स भी किया था आपने, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर, कंपोनेंट लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। और हैंड स्किल दिन पर दिन बेटर हो रही कि नहीं हो रही सर? आप ईमानदारी से बताइए कि जीवन में आज तक कभी आपने SMD को टच किया था? नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं किया। मेरे को अभी इस फील्ड में एक आधे महीने से ज्यादा भी नहीं हुआ सर। अच्छा, तो मैंने कभी ऐसे मतलब कि ऐसे तो जैसे आपको इस फील्ड में 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ और आपको सीधे SMD आयरन हाईली इक्विपमेंट और माइक्रोस्कोप से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके अंदर आपको कोई घबराहट हुई या आप काम करने लगे हैं? नहीं नहीं सर, मेरे को मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस पहले से ही था कि मैं खुद अपने आप ही, मेरे को कुछ भी मतलब कि पूरी सपोर्ट मिली मेरे को यहाँ पे सर की। तो आज जैसे हमने डबल डेकर आईसी किया सर, सुबह आते ही आपने मेरे को डुअल डेकर भी करके बताया और 4G आईसी भी करके बताया, पावर भी करके बताया। तो क्या इतने 2 दिन के समय में ये सारी चीजें कवर होना संभव है क्या? नहीं सर, पर एशिया टेलीकॉम में संभव है सर। अच्छा, उसके बाद आपने एक फोन से रीडिंग उठा के फोन से पावर को निकाला, फिर उसको माउंट किया, रिवॉल्व करके लगाया सर, रिवॉल्व करके लगाया, उसके बाद भी रिजल्ट मिला आपको? यस सर, बिल्कुल। तो जैसे जितनी हमारी पहले रीडिंग आ रही थी रिवॉल्व करके लगाने के बाद भी वही उतनी रीडिंग आई सर। और कल क्या लगाने वाले हैं आप? लाइव फोन से 4G आईसी पावर की निकाल के लगा के मोबाइल को ऑन करके दिखाएंगे सर। तो आज जैसे हमारी 10 बजे देव सर के साथ क्लास थी, तो उन्होंने कंपोनेंट की हमारी इतनी अच्छी नॉलेज दी कि बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताई उन्होंने। ओके, तो जैसे मतलब कि उन्होंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई कि हम बिना लेआउट के मतलब कंपोनेंट की पूरी नॉलेज, तो मतलब कि छोड़ ही दो सर कि इससे आगे कुछ नहीं है सर। ओके, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, एक बार क्लैपिंग कर दो इसके लिए यार। थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। नाम अब्दुल मजीद, अभी मशरूमल से कैसे। ओके, 2 दिन क्लास हुई है एशिया टेलीकॉम में जी। तो 2 दिन मध्य प्रथम दिन एमएससी रिकॉर्डिंग करे। ओके, सेकंड दिन तुम्हारा
ডবল টেকার রিবোলিং করেছি, পাওয়ার আইসি আনমাউন্টিং করেছি, রিবোলিং করে সাকসেস হয়েছে। অল কম্পোনেন্টের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হয়েছে অনেক, আগে জানতাম না এত কিছু। এখন টেস্টিং নিজে সব কিছু করতে পারছি, সব কম্পোনেন্টের একদম নলেজ ফুল পেয়েছি। এটা শুধু এসে টেলিকমে পেয়েছি আমি, এসে অন্য কারো কাছে বিশ্বাস হচ্ছিল না, এটা এসে আমি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। দুদিনের মধ্যে অনেক কিছু শিখতে পেয়েছি। থ্যাংক ইউ দেবেশ, থ্যাংক ইউ এসে টেলিকম। ওকে চলিয়ে তো মেরে সাথে এক স্টুডেন্ট হ্যাঁ মহারাষ্ট্র সে, প্লিজ নাম বাতাইয়ে আপনা। স্যার মেরা নাম এজাজ কুরেশি হ্যাঁ, মানে নাগপুর মহারাষ্ট্র সে হুম জি। এজাজ কিতনে টাইম সে আপ মোবাইল কা কাম কর রহে ভাই? স্যার মেরে কো 2 সাল হো গয়ে, মেরা শপ থা। শপ থা আপকা 2 সাল হো গয়ে, তো 2 সাল ওর 2 দিন মে কি ফরক হ্যায় ভাই? স্যার দেখিয়ে ইয়াহ পে দো, আবি মে 25 তারিখ কো আয়া হুম, ঠিক হ্যায়। 25 তারিখ কো আনে কে বাদ মেরে দিল মে জো দর্দ থা, ওয়হন থা कि क्या होगा, कैसा होगा, ओके मैं कर पाऊंगा, ओके नहीं कर पाऊंगा, ओके। लेकिन आज जो दो दिन का क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब ये काम मेरे को कुछ आसान लगने लगा है। ओके जैसे रिबॉलिंग करना, ओके कंपोनेंट की टेस्टिंग करना, ओके दूसरी बात जो थेरी की जो क्लासेस हैं हमारे सर की, ओके वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि जिसमें हमें उनसे कोई डाउट क्लियर करने की जरूरत ही नहीं रहती। ओके इतने अच्छे तरीके से वो क्लास यानी एक्सप्लेन करके देते हैं, और कंपोनेंट के बारे में तो पूरा बारकाई से उन्होंने डिटेल में हमको बता दिया है। दो दिन के क्लास में इतना मिलेगा सर, इतना तो मैंने सोचा नहीं था। आज जो हुआ ना उसमें तो मैं खुश शौक हूँ, क्योंकि अभी हमारे को लास्ट टाइम अभी आधे घंटे पहले सर एक 5A का मदरबोर्ड दिया गया, उसमें से पावर आईसी को निकाल के रिवॉल्व करके फिर से बैठा के हमने दिखाया, और मैंने किया है सर वो, और उसके अंदर। अच्छा, आज से पहले 2 साल से पहले कभी किया था? नहीं सर कभी, आज पहली चांस था और मैंने कर। कल क्या करने वाले हैं आप? लाइव फोन से पावर आईसी निकाल के लगाने वाले हैं। हाँ सर। तो जो हमारे एक दिन दो दिन जो बीते हैं, 12 अब तो क्लासेस हमारी 12-12 13-13 घंटे की होती है, राइट? हम 7 बजे आए थे जी सर, और टाइम क्या हो रहा है अभी? अभी 8 बज रहे हैं। तो ये फेक है कि क्या है? अपन कोई खाने खाने का रेसेस देते हैं क्या, कि दो दो घंटे का? नहीं, यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल जब करने का दिल हो जाता है, यानी एक बार अगर मन लग गया तो खाने की प्यास क्या, भूख क्या, सब मर जाता है। ऐसा लगता है बस काम ही करते रहो और एक्सपीरियंस बटोरते रहो जितना बटोरना चाहो। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मैं इसके लिए ऐसे थैंक यू करना चाहता हूँ, देव सर को थैंक यू बोलना। चलिए तो मेरे साथ फाइनली स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम धीरज चौहान है, मैं नासिक महाराष्ट्र। धीरज नासिक से, जबलपुर चाहते तो पास में महाराष्ट्र में कई इंस्टीट्यूट थे, वहाँ चले जाते, मुंबई चले जाते। एशिया टेलीकॉम पे विश्वास क्यों जताया? आप पूरे फ्रेशर थे, आप SMD वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो आज मैं दो दिन की क्लास हो चुकी है, दो दिन की क्लास में आपने पूछना चाह रहा हूँ क्या आप SMD पे वर्क करना कर पा रहे हो आप? जी बिल्कुल कर पा रहा हूँ, दो दिन का मेरा वर्क एक्सपीरियंस एकदम ऑसम है। मतलब यहाँ पे जब पहले जब मैं जहाँ पे था, जिस दुकान में काम करता था, वहाँ पे मुझे कंपोनेंट या मदरबोर्ड को हाथ लगाने से भी, आईसीओ को देख मतलब छूने से भी डर लगता था। okay. आज दो दिन के पहले दिन में मैंने EMMC रिबोल की, आज डबल डेकर CPU और 4G IC और लाइव फोन 4A के मदरबोर्ड से मैंने पावर आईसी निकाल कर फिर से रिबोल करके लगाई है। और यहाँ पे और मतलब ट्रिक और थ्योरी की क्लासेस देव सर की एकदम बढ़िया है, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, और थैंक करना चाहता हूँ मैं एशिया टेलीकॉम को। चलिए ठीक है, चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। आप अपनी बंगला का इस्तेमाल कर सकते हो, पूरी बंगला भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जयंत हल्दर कोशिया। ओके ओके, तो एशिया टेलीकॉम में हमारा आज के द्वितीय दिन, तो थ्योरी प्रैक्टिकल क्लास पर पूरी भाव लगे जी, हम निजे सक्सेस हो कास्टा करे जी, आईसी रिबोलिंग EMMC रिबोलिंग। ओके, तो कंप्लेंट एंड नॉलेज आप कुछ आप काम कर रहे थे जी? कितने समय से काम कर रहे हैं? सर मैं कर 2 साल हो गया। 2 साल से काम कर रहे हैं। अब 2 साल का समय की बात करूं और अभी 2 दिन के एक्सपीरियंस, मतलब 13-26 घंटे की जो आपने क्लास ली है, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर खूब ही भालो। थोड़ा हिंदी में बोलेंगे? थोड़ा तुम क्या बोल रहे हो हमको मालूम नहीं पड़ता, थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे, इसलिए सर दिक्कत थोड़ा बहुत दिक्कत है। हाँ थोड़ा बोलिए ना, थोड़ा हम समझ जाएंगे। अच्छी है सर, जो भी सीखा है सर, बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी कंपोनेंट का नॉलेज कैसा है? गुड सर। और हैंड स्किल कैसा है अभी आपका? मतलब कुछ बग्स एरर थे आपके काम करने में, निकले कि नहीं निकले वो? सर अभी कॉन्फिडेंस के तौर पर बोल सकते हो, स्टेंसिल में से आईसी निकालने से पहले बता सकते हो कि मेरी आईसी सही बन गई है? कॉन्फिडेंस के तौर पर कॉन्फिडेंस। अभी एक आईसी को आपने बोर्ड से निकाल के माउंट रिमाउंट भी किया है आपने? सर
सक्सेस हुआ। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू। ओके, चलो तो फाइनली स्टूडेंट है हमारे पास, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम है कौशिक शर्मा, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से। कौशिक, ये बताइए कि एसएमडी पे कभी काम किया था आपने? नहीं सर, इससे पहले कभी आयरन से काम किया था? मतलब आपने आईसी निकालना, लगाना, रिबोलिंग करना, स्टेंसिल का इस्तेमाल करना, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना कभी किया था काम? नहीं सर। आज क्या पोजीशन है आपकी? दो दिन में, मतलब अगर मैं 26 घंटे की बात करूँ तो 26 घंटे में क्या पोजीशन है आपकी? दो दिन में बहुत एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, क्योंकि देव सर बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को दो दिन, आज सेकंड डे था इसका, ओके, तो दो दिन में बहुत बढ़िया तरीके से आपको कॉन्फ्रेंस को पूरे डिटेलिंग में हम लोगों को पढ़ाया इधर। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल लैब में आके पूरा जितने भी कॉन्फ्रेंस है उसका वैल्यू निकालना, सब कुछ निकालना किया। उसके बाद फिर लाइव ऑन फोन से और ऐसे निकाल के फिर उसको रिवॉल्विंग करके फिर से ऑन किया। उसका भी मतलब जी आर जितना होता है वो भी मिलने लगा। मतलब फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम मैं आईसी डन कर चुका हूँ ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सो 28 अप्रैल की बैच, 28 अप्रैल की बैच, हाँ ये होगा एसे टेलीकॉम में हो भाई, समझ में आ रहा है मेरे को? आज खास दिन है बहुत बड़ा, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे मिलन सर के घर में एक सेकंड बीवी आने वाला है, तो मिलन सर के लिए बात जोरदार ताली। आज एक छोटा टेक्नीशियन आने वाला, नन्ना मुन्ना आ गया लड़का हुआ है वो। क्या वो कितने बजे हुआ सर? 11 बजे? नहीं, 12 के बाद तो ऑपरेशन हुआ। चलो ठीक है, मेरी एक दो के बीच में। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम बहुत खुश हैं उनके लिए कि एक लड़की थी उनकी, अब 5 से 7 साल हो गए मे बी, अब एक लड़का हुआ जाकर। सो हम ये चाहते हैं कि उनका घर आगे बढ़े। हेलो, आप 10-15 बच्चे हो ना, जितना देर ऊपर लेने वाला ले। चलो, और हम आज बात करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले मुझे बताइए, डुअल डेकर सीपीयू किस किस ने रिवॉल्व किए? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं आधे अधूरे रिवॉल्व हुए, परफेक्शन के साथ हुए? दूसरे दिन ही एक बार एमडी सर के लिए ताली बजाएंगे आप लोग। एमडी सर की जो ट्रिक है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जो पहले से काम कर रहे थे उनको भी परफेक्ट लगी? हेलो, आपको और आसान हुआ कि नहीं हुआ? और जो बेसिक थे, प्रेशर थे, उनके लिए तो ये पहली बार ही इतना सक्सेसफुल रहा। हेलो, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्योंकि इस सब का कोई मतलब नहीं है, ना डायोड चेक करने का, ना रजिस्टर, ना कल को आईसी, जब आईसी नहीं उठा पाएंगे तो। हेलो, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आपकी हैंड स्किल ही सही नहीं है, अगर आप इस बॉल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस बॉल का डायग्राम ढूंढ के कर क्या लेंगे? हेलो, तो थ्योरी का मतलब नहीं, तब तक कि हमारी हैंड स्किल सही ना हो, फिर पर उसके बाद थ्योरी का मतलब पर बहुत है, क्योंकि एक एक रजिस्टर से हमारा सर्किट बंद हो रहा है। हेलो, अब मुझे बताइए डायोड और कॉइल की क्लास कैसी रही आप लोगों की? किस किस को समझ में आई? हमने कॉइल को खाली बीच से समझा क्या? जितने भी प्रकार के कॉइल होते हैं, टोटल हर कॉइलों का मान देखा? मैं आपको बताऊं, इधर देखिए, अगर मैं आपके बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कॉइल है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कॉइल है इधर, तो इन कॉइलों में से अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ लाइट का ढूंढना है, सिर्फ लाइट का, तो कौन कौन ढूंढ के दे सकता है? अच्छा, जाके प्रैक्टिकल भी करेंगे। इनसे टेलीकॉम की सबसे खास बात यह है कि इतना सीखने के बाद, इतना सब देखने के बाद, प्रैक्टिकली हमें भी प्रैक्टिकल करने मिलता है, डाउट और क्लियर होते हैं, और ये होना भी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप नोट्स भी बनाते हो? यस सर। तो हम यहाँ नोट्स लिख के अपना टीचिंग का टाइम बर्बाद नहीं करते, यहाँ हम बेसिकली टाइम अपना पूरा सीखने में लगाते हैं, बराबर? क्योंकि अगर मैं यहीं बैठकर एक घंटा रजिस्टर कैसे कहते हैं ये पढ़ाऊंगा, तो ये तो 6-7 घंटे की तो थ्योरी हो जाएगी। यस सर। और यही रीजन है कि प्रैक्टिकल ज्यादा मिलता नहीं है, पर ऐसे टेलीकॉम में प्रैक्टिकल को ज्यादा रेफरेंस दिया जाता है। हेलो, अब थ्योरी भी आपको अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से ही बनानी है। मुझे बताइए कल की थ्योरी किस किस की पूरी है? आप सबने लिखी है? Yes, आज की भी पूरी करेंगे? Yes, अच्छा मुझे बताओ, ये जो डायोड है, अभी देखकर बोर्ड का देखने का नजरिया कंपोनेंट का किस किस का बदलेगा आज? चलिए बताओ, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? Yes, क्योंकि आज हमने पूरा लेआउट पढ़ा है। हेलो, हर एक कोडिंग का डिटेलिंग आपकी कॉपी में है। Yes, कल को हम भूलते भी है तो डाटा है हमारे पास। Yes,
ठीक है, तो अभी सेकंड डे में क्या जोश है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 के नीचे की 10 के ऊपर? 10 के ऊपर। फिर से बताइए, 10 के ऊपर। और कल हम लाइव पावर लगाइए। हेलो, आप मुझे चैलेंज करके बताओ कि कौन कौन लगा देगा कल लाइव पावर, लाइव पब्लिक को? बोलो हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। ये जोश होना चाहिए ऐसा टेलीकॉम का। थैंक यू वेरी मच। खाना खाओ। यस सर। और उसका दूसरी टीम जो थी जो हारी थी वो फिर जीत। yes, sir! जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। yes, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू, थैंक यू।